जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आर विशाल और मैं अपने यूपीपी के पूरे प्रदेश और चूंकि बाहर से भी लोग एग्ज़ाम में आए अपीयर हो रहे हैं, बैठ रहे हैं, फॉर्म भर चुके हैं, सारे विद्यार्थियों के लिए जो लाखों 50 लाख लोगों के लिए लेकर आया हूं, वो स्ट्रेटजी, वो प्लानिंग जिसको अगर आपने फॉलो कर लिया तो ये 20 दिन बदल देंगे आपकी ज़िंदगी। 20 दिन में एक साधारण सा बच्चा वर्दी पहना हुआ दिखाई देगा, इस वादे के साथ मैं आया हूँ। अगर आपने 20 दिन कायदे से मुझे फॉलो कर लिया, मतलब मेरी जो मैं आज जो हम लोग मिल करके डिस्कस करेंगे, अगर इन बातों को आपने कायदे से अपने लाइफ में उतार लिया तो आप समझ लीजिए कि आप 20 दिन के बाद एक साधारण सा दिखने वाला बच्चा वर्दी में दिखेगा, रंगरूट जवान सिपाही बन के ट्रेनिंग सेंटर पर और फिर थाने पे आकर के देश की सेवा, प्रदेश की सेवा करेगा। तो क्या है आपका यूपीपी एग्जाम लास्ट 20 डेज? आपने बहुत से लोगों की प्लानिंग स्ट्रेटजी सुनी होगी। ये वो लोग हैं जिन्होंने कभी यूपीपी के एक बच्चे को सेलेक्ट नहीं कराया। पूरी गारंटी, पूरी जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूँ, चाहे वो पिछला एग्जाम 18 का रहा हो, चाहे वो 19 का रहा हो, चाहे वो 12-13 में जो एग्जाम हुआ था वो, मैं पिछले 12-13 साल से एक ही काम कर रहा हूँ और मैं प्रयागराज में हजारों हजार की संख्या में यहाँ से बच्चों को ट्रेनिंग सेंटर भेज चुका हूँ। चाहे वो 18 का एग्जाम हो, चाहे वो 19 का एग्जाम हो, चाहे आपका यूपीएसआई 2021-22 का एग्जाम हो। तो दोस्तों, कोई भी आदमी किसी भी रास्ते पर, किसी भी रास्ते की सटीक जानकारी तभी दे सकता है जब वो खुद उस रास्ते पर चला हो या अपने लोगों को उस रास्ते पर भेज चुका हो। तो ये स्ट्रेटजी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इत्मीनान से इस चीज़ को देखिएगा। मैं चाहता हूँ कि ये सत्यमेव जयते उत्तर प्रदेश पुलिस का जो लोगो है उसका आप हिस्सा बने, वो आपके शरीर पर सुशोभित हो। चलिए आइए, अगले पहली स्लाइड क्या है आपकी, सिलेबस को जल्दी से कंप्लीट करें। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अभी देखो, अब टाइम बचा है 20 दिन, तो पहले तो आप एक बात समझो कि एक ही समय में बहुत ज़्यादा खाना इम्पॉर्टेंट है कि जो खा लिया उसको पचाना इम्पॉर्टेंट है, लेकिन खाली पेट भी रहना सही बात नहीं है। तो इसका मतलब ये हो गया कि अब आप जल्दी से जल्दी विद इन अ वीक, अब यहाँ से विद इन अ वीक मतलब एक हफ्ते के अंदर जो कुछ नया पढ़ना चाहते हैं, जो कुछ बचा है सिलेबस में, उसको 100% तेज़ी से टाइम लगा करके, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दे करके मेरे भाई कंप्लीट कर लो। अगर आप वर्दी का जुनून आपके अंदर है, अगर आप चाहते हैं कि आप अगली साल की परेड में शामिल हों, तिरंगे को सलामी दें, तो प्लीज़ अब ये वो समय है जब कहा जाता है मोहब्बत और जंग में सब जायज है। और आपको बता दूं, 20 दिन अगर आप 4 घंटा 5 घंटा सोते हैं, 16 घंटा 18 घंटा पढ़ते हैं, तो आप ना बीमार पड़ेंगे ना मरेंगे। मतलब ये कि ये 20 दिन एक महीना बच्चा आराम से कर सकता है। जो बच्चे आईएएस पीसीएस बनते हैं, जिनका रोल नंबर छप के आता है, जिनकी सफलता की कहानियां आप पढ़ते हैं और रोमांच फील करते हैं, उन्होंने लास्ट में ऐसा ही किया है, अर्थात आपको करना पड़ेगा। मतलब कॉन्क्रीट बात क्या है कि बहुत जल्दी से सिलेबस को कंप्लीट कर लें। जो कुछ बचा हुआ सिलेबस आपको हम लोगों ने डिस्कस कर दिया है, आपने कितना पढ़ रखा है वो, और जो भी फैकल्टी के साथ आप पढ़ रहे हैं, हमारे साथ पढ़ रहे हैं, तो यह चाहें कि एक हफ्ते के अंदर जल्दी से जल्दी आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए। पहली इंपॉर्टेंट बात, सिलेबस को जितना जल्दी हो सके कंप्लीट कर लो मेरे भाई। अब अगली बात पे आते हैं, अगली बात पर देखिए, अगली बात क्या समझनी है आपको। तो देखिए, ये स्लाइड क्या बता रही है आपको, मैथ्स रीजनिंग हिंदी को बनाएं अपना अस्त्र। मतलब यहाँ से आपको सिग्निफिकेंस समझना है, मैथ्स रीजनिंग हिंदी को बनाएं अपना अस्त्र। पिछली मेरिट को ध्यान में रखा जाए अगर, तो सिलेक्शन तो आपको यहीं से मिल जाना, लेकिन क्या जीएस को इग्नोर कर दिया जाए? बिल्कुल भी नहीं, मैं वहाँ आऊँगा दोस्तों। तो देखिए, मैथ्स रीजनिंग को आप बिल्कुल पहले तो अलग ना समझें, अलग ना करें। अगर सेलेक्ट होना चाहते हैं तो अलग करने की गलती ना करें दोस्तों। तो देखो दोस्तों, मैथ और रीजनिंग से आपको 75 क्वेश्चन और वही आपका हिंदी और जीएस से 75, मतलब 37 और 38 का एवरेज है, 37 और 38 का वेटेज है। कहने का मतलब, अगर मैं 37 भी जोड़ दे रहा हूं, अगर यहां पे मैं 37 जोड़ दे रहा हूं, तो 112 या 113 क्वेश्चन आपका इस स्लाइड से मिलने वाला है। मतलब ये जो मैथ्स रीजनिंग हिंदी को अपना अस्त्र बनाना, 122 को 2 से गुणा, 112 को 110 को 2 से गुणा कर दे, 220 हो गया। इतना ले करके आइए, मिठाई खिला दीजिएगा। तो मतलब ये आपको करना क्या है, जीएस को छोड़ना नहीं, उसकी स्ट्रेटजी अभी मैं डिस्कस करूंगा, कैसे पढ़ना, वहां भी मैक्सिमाइज
कैसे करना है इस बात को मैं आपको बताने वाला हूँ। तो अगर मैं फिर से कह रहा हूँ, फिर से अपनी बात को दोहरा रहा हूँ, अगर आप चाहते हैं कि अगले साल 15 अगस्त को, इसी साल 15 अगस्त या अगले साल 26 जनवरी को अगर आप तिरंगे को सलामी दें वर्दी में, तो उसके लिए बस आपको ये 20 दिन गुरु जम के जी लेना है। मतलब एकदम से आप अपनी आँखों के दोनों साइड एक अच्छे रफ्तार वाले घोड़े की तरह दोनों साइड पट्टी बांध के दौड़ना स्टार्ट कर दें। ये आपका सिलेक्शन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो अभी आपको क्या करना है, मैथ्स, रीजनिंग और हिंदी, इसको आपको अपना मेन हथियार बनाना है। सबसे महत्वपूर्ण अस्त्र यही है जो आपको या तो सेलेक्ट कराएगा या तो डिस्क्वालीफाई करा देगा। क्योंकि देखिए, जीएस में अगर आपने आज से सब कुछ छोड़ के केवल जीएस पढ़ लिया, तो अगर आपका स्कोर 20 होना था मेरे भाई, तो 22 हो जाएगा। ये मत समझना कि 37 हो जाएगा, 38 हो जाएगा, 25 होना था तो 28 हो जाएगा। लेकिन अगर आप 20 दिन केवल इसको जी लेंगे, तो ये आपका ऐसा क्योंकि यहाँ पे सिलेबस आपको पता है कितना पढ़ना है, जीएस का सिलेबस बहुत वास्ट है। तो आपको ये स्लाइड पे मैंने क्या बताने का प्रयास किया है, मैथ्स, रीजनिंग और हिंदी को बनाएं अपना सबसे महत्वपूर्ण अस्त्र, मतलब दिव्यास्त्र। ये आपके सिलेक्शन के लिए क्या है, परीक्षा रूपी दुश्मन के सामने ये दिव्यास्त्र मैंने आपके लिए प्रस्तुत किया है। नेक्स्ट स्लाइड पे देखिए, आ जाते हैं जीएस की बात कर लेते हैं। जीएस को कैसे पढ़ें, आखिरकार क्या जीएस को छोड़ के जाएं? सर बिल्कुल नहीं छोड़ के जा सकते आप। फिर जीएस को कैसे पढ़ें, इतना आप कह रहे हैं सिलेबस बहुत लंबा है, बिल्कुल लंबा है, इसमें कोई शक की बात नहीं है, इसमें कोई लार लपेट नहीं है। तो फिर क्या करें, जीएस को कैसे पढ़ें? तो वही बात मैं आपको बताने वाला हूं, जीएस को कैसे पढ़ें। देखिए, चार चीजों में आप मतलब कि डिवाइड कर लीजिए। पहला तो पिछले साल आए हुए सारे एग्जाम जो PYQ जीएस का है, उसको 100% याद करना है, पढ़ना नहीं है, मतलब एकदम से घोट जाना है। कोई आपके पास 1% स्कोप नहीं, एक भी क्वेश्चन आप बिना याद किए एग्जाम में बैठिए। ओके, अब देखिए अगला क्या, स्टैटिक जीके पर बहुत ध्यान दीजिए। यूपी स्पेशल जरूर आप जान जाइए, यूपी के बारे में खूब ढंग से पढ़ लीजिए मेरे भाई। खेल के बारे में कौन सा शब्द किस खेल से संबंधित है, किस खेल में कितने खिलाड़ी यूज किए जाते हैं, इस बात को बहुत ढंग से, और पुरस्कार, खेल से संबंधित पुरस्कारों के बारे में, पिछला IPL किसने जीता था, वर्ल्ड कप में सेकेंड विनर कौन था, मैन ऑफ द मैच, मैन ऑफ द सीरीज कौन था, जरूर सवाल आएगा। यूपी का एग्जाम है, बिल्कुल अछूता नहीं रहेगा बच्चा। अच्छा, पुरस्कारों के बारे में एकदम से ढंग से, कौन कौन से पुरस्कार हैं, हाल फिलहाल कौन कौन से पुरस्कार वितरित हुए हैं, कौन सबसे बेस्ट फिल्म, जैसे आज ही 12वीं फेल को सर्वश्रेष्ठ पिक्चर दिया गया है, उसका अवार्ड दिया गया है, ऑब्वियस सी बात है आपके एग्जाम में आ रहा है 100%। ऐसे ही किताबें, किस किताब को किसने लिखा, कौन सी किताब किसने लिखी है, जरूर इसको आप एकदम अच्छे से मैटर ले करके इस ढंग से पढ़ लें। दिन दिवस के बारे में जरूर पढ़ लीजिए, 5 सितंबर को कौन सा दिन है, 22 मार्च को कौन सा दिन है, मतलब किस लिए वो दिन इंपॉर्टेंट है। तो ये अगर आपने PYQ, स्टैटिक जीके, यूपी स्पेशल, खेल, पुरस्कार, किताब और दिन दिवस पढ़ लिया, तो ये मान के चलिए कि 50 से 60%, 60% का मतलब कितना हो गया, 36 18, 50% का मतलब कितना हो गया, 38 क्वेश्चन आपका वहां से आ रहा है, तो वहां से उसका आधा लगा लीजिए, मतलब इतना क्वेश्चन आपको मिल ही जाना है, कोई दो राय नहीं, और बिना ज़्यादा मेहनत किए, बिना ज़्यादा पसीना बहाए। तो हमने क्या डिस्कस किया, आपका मेन अस्त्र क्या होगा, तो आपने कहा सर मेन अस्त्र होगा मैथ्स, रीजनिंग एंड हिंदी। जीएस को छोड़ना नहीं है, जीएस के में मैक्सिमाइज कैसे करेंगे मार्क्स को, तो PYQ को बहुत अच्छे से जितना भी पूछा गया उसको पढ़ लेंगे। स्टैटिक जीके 100%, ये स्टैटिक जीके का ही पार्ट है, सब कुछ स्टैटिक जीके का पार्ट है, तो इसको आप बिल्कुल भी ना छोड़ के जाएं, इसको भैया एकदम 100% तैयार करके जाएं। आप 100% आपके वर्दी पहनने के सपने को साकार करने में ये अंतिम प्रयास है जीके का, जो मैंने आपको बता दिया बिल्कुल। और एक बात मैं पहले बोला अभी बोल रहा हूं कि आप उन लोगों के छलावे में ना पड़ें जिन्होंने कभी यूपी के एग्जाम में किसी एक बच्चे को सेलेक्ट ही नहीं कराया।
2013 से स्टार्ट करके 2024 में मैं खड़ा हूँ, हजारों हजार की संख्या में मेरे द्वारा पढ़ाए गए विद्यार्थी, लेकिन वो अपनी मेहनत से सफल हुए, वो सफल हो चुके हैं, जो आज आपको बड़े बड़े टीचर आ करके बल्लेबाजी दे रहे हैं कि नहीं हमने ऐसे पढ़ लो वैसे पढ़ लो। अरे वो बंदा आपको सही रास्ते की जानकारी कैसे दे सकता है भाई, जो उस रास्ते पर चला ही ना हो कभी, या उसके द्वारा उसका कोई अर्चित परिचित उस रास्ते पर कभी ना गया हो। तो मैं आपको जो बता रहा हूँ ये 100% कॉन्क्रीट प्लानिंग है। नेक्स्ट क्या होगा? टाइम मैनेजमेंट। 150 सवाल आपके पास हैं और आपके पास टाइम कितना है? 2 घंटा। 2 घंटा बोले तो 120 मिनट। कैसे मैनेज करेंगे टाइम को? क्या प्लानिंग होगी आपका एग्ज़ाम में? कैसे इसको, ये चीज़ तो सबसे इम्पॉर्टेंट है। अभी आपने अगर कोई एग्ज़ाम दिया होगा या कोई बच्चा एग्ज़ाम दे के आता है तो उसके लिए सबसे बड़ा रोना उसका क्या है? यही तो कि सर कर तो लेते बट टाइम नहीं मिला, कर तो लिए पर भर नहीं पाए। तो मैं तो आपको ये भी बताने वाला हूँ कि OMR पे गोला कैसे भरा जाएगा और क्या स्ट्रेटजी होगी। क्या सारा 150 क्वेश्चन करके तब, जैसे कुछ लोग बताते हैं पूरा 150 क्वेश्चन कर लो फिर गोला भरो, बहुत बेकार रणनीति है, बहुत मतलब बहुत बेकार रणनीति है। एग्ज़ाम पास करना एक कला है। अब वो कला आपको कैसे आएगी? पहले तो आज से जब भी आप मॉक लगाएं तो टाइम टेबल के हिसाब से लगाएं, कितना कितना टाइम आपको किसको किसको देना है। जैसे आपने देखा हिंदी, जैसे आपने क्या देखा मेरे भाई, हिंदी में आपके पास कितना क्वेश्चन है? 37। GS में कितना क्वेश्चन है आपके पास? 38। मैथ्स में कितना क्वेश्चन है मैं अलग कर दे रहा हूँ, मैथ्स में कितना क्वेश्चन है? मान लो 20 से 22 क्वेश्चन, चलो मैं 20 रखता हूँ। अब यहाँ से रीजनिंग में कितना क्वेश्चन है? तो आपने कहा सर फिर रीजनिंग में 55 क्वेश्चन दे दीजिए, बिल्कुल 55 क्वेश्चन ये मैंने डिवाइड कर दी। अब टाइम कितना कितना देंगे? 120 मिनट का टाइम आपके पास है, तो ये 37 क्वेश्चन हिंदी के लिए मैक्स टू मैक्स 10 मिनट करना और भरना। भाई हिंदी या तो आपको आएगी या तो आपको नहीं आएगी, आपको एंटोनिम पता होगा या तो आपको नहीं पता होगा, उसमें तो कोई ऐसा है नहीं कि रॉकेट साइंस लगाएंगे। आपको अलंकार रस जो भी है आपको पता होगा या नहीं पता होगा। तो करना और भरना 10 से 12, 10 मिनट मैक्स टू मैक्स। GS के 38 क्वेश्चन में भी आपके पास टाइम वही लगाना है 10 मिनट। कितना? 10 मिनट। अब आ गया मेरे भाई 55 क्वेश्चन रीजनिंग और 20 क्वेश्चन आपका ये 75। 20 मिनट आपने खर्च कर दिया है, बचा है आपके पास 100 मिनट। कितना बचा है मेरे भाई? 100 मिनट आपके पास बचा हुआ है। अब इस 100 मिनट में इत्मीनान से 20 क्वेश्चन को मैं दे रहा हूं 25 मिनट और 55 क्वेश्चन को मैं दे रहा हूं 75 मिनट। आराम से 120 मिनट आपने कंज्यूम कर लिया। अब हम सर करेंगे कैसे? क्या सारा 150 क्वेश्चन? नहीं, सबसे पहले क्या करेंगे? दो तरीके से आप चल सकते हैं। मेरे हिसाब से सबसे पहले बंदे को रीजनिंग करनी चाहिए। क्यों रीजनिंग करनी चाहिए? क्योंकि रीजनिंग ज़्यादातर नियम कानून कम और आपका अपना रीजन ज़्यादा काम करता है। अगर दिमाग को थका के रीजनिंग पर जाते हैं तो कई बार बहुत नॉर्मल सी चीज़ क्लिक नहीं करती है। तो फ्रेश माइंड से अगर सबसे पहले आप रीजनिंग कर लें तो ज्यादा बेस्ट है। दूसरी स्ट्रेटजी हो सकती है कि आप हिंदी और GS को जल्दी से निपटा के खत्म कर दें फिर इत्मीनान से। लेकिन सिपाही वालों ध्यान से समझना, तुम उतने मैच्योर स्टूडेंट नहीं हो कि तुमको तुम आराम से पेपर को बैलेंस कर सको। तो इस चीज को बहुत ढंग से समझ लो। अगर आपने सबसे पहले रीजनिंग निपटा लिया, रीजनिंग में अगर आपने इस 55 क्वेश्चन में 45 से 50 के बीच का स्कोर ले लिया पहले अटेम्प्ट में, तो आप जान लो कि आपका कॉन्फिडेंस सातवें आसमान पे होगा। आप सफलता की इबारत लिखना स्टार्ट कर चुके हैं। एक पोर्शन करना है, जैसे आपने रीजनिंग उठाया, आपने रीजनिंग किया तो पहले तो एकदम OMR दूर रखो, एकदम इत्मीनान से 55 क्वेश्चन सॉल्व करो मेरे भाई, सॉल्व करो और फिर उसको भरो। क्या करो? एक पोर्शन करो और उसको भरो। जब आप क्वेश्चन करके भर रहे होते हैं उस समय आपके ब्रेन को, आपका ब्रेन आराम कर रहा होता है क्योंकि उस समय आप ब्रेन नहीं लगा रहे होते हैं। तो जो वो 2 मिनट 1 मिनट 1.5 मिनट का टाइम लगता है उसमें ब्रेन हमारा फिर से रीएनर्जाइज्ड होता है और हम अगले सेक्शन पर जाते हैं तो फिर पूरी तैयारी के साथ जाते हैं। तो मसला ये हो गया, टाइम का बंटवारा ऐसे ही होगा। ये करना भरना सब शामिल है, करना भी है और भरना भी है। आप चाहो तो यहाँ 5 मिनट कम कर लो और
यहाँ 5 मिनट ज़्यादा कर लो, क्योंकि यहाँ कुछ ज़्यादा काम करना पड़ेगा। तो बस आपकी स्ट्रेटजी क्या होगी, एक सेक्शन जैसे आपका 150 क्वेश्चन है तो 50-50-50 भी बांट सकते हैं, 50 प्रश्न कर लिया उसको आराम से भर लिया। क्योंकि अभी तक के इन 10 सालों 11-12 सालों के कैरियर में मैंने सैकड़ों बच्चों को ये आकर के रोना रोते हुए देखा है भैया कि सर कर तो लिए थे भर ही नहीं पाए। इस बात को एकदम 100% समझ लो। अब पता लगा 150 क्वेश्चन छोड़ के भर रहे हो, तो फिर जब बहुत जल्दी 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 गोला भरता है भाई ना, तो टिक किया रहता है बी और भर देता है सी। बहुत सावधानी से भरोगे तब भी 2-3 गलती हो ही जाएगी, देख लेना इस बात को। तो एकदम इत्मीनान से इसको बांट लो 3 सेक्शन में, 50-50-50 कर लिया भर लिया। तो देखो ना, जो कमाए वो बैंक बैलेंस हो गया। अभी तुम क्या कर रहे हो, जो कमा रहे हो सब ऐसे बिखरा पड़ा हुआ है। अभी ने इधर क्या हुआ, जो कमाया उसका बैंक बैलेंस हो गया, वो बैंक में चला गया। अगला पोर्शन किया, जो कमाया वो बैंक बैलेंस हो गया। 100 क्वेश्चन करके भर लिया, फिर थोड़ा 2 घूंट पानी मार लो, राहत की सांस ले लो और समझ जाओ कि सिलेक्शन के नज़दीक तो तुम पहुँच गए हो, क्योंकि 200 नंबर का काम तुमने कर लिया है। अब बचा 50 क्वेश्चन लास्ट में तुमने कर लिया। इसके बाद अगर लगता है किसी पोर्शन में कोई क्वेश्चन छोड़ के आए थे तो तुम लौट भी सकते हो। एकदम 100% में बता रहा हूँ, टाइम बहुत बढ़िया है, टाइम पर्याप्त है 150 क्वेश्चन के लिए। 120 मिनट समय बिल्कुल भी कम नहीं है। ओके, तो मुझे उम्मीद है कि आप इस टाइम मैनेजमेंट को समझ गए होंगे और इसको यूटिलाइज आज से ही करना स्टार्ट कर दो। कमरे पर बैठ के OMR सीट ले आकर OMR भरना भी सीख लो। पहले किनारे से गोला करो, फिर 2 राउंड कलम घुमाओ। जैसे ये आपका गोला है, अब इस गोले को हमें भरना है, तो मोटी वाली कलम को यूज करेंगे। हमने पहले इसको लिया, हमने पहले किनारे से भरना शुरू किया, ब्लैक दिखेगा नहीं, हमने पहले किनारे से भरा, बड़ा बहुत बड़ा गोला कर दिया मैंने, फिर भर के निकल गए, बस काम खत्म। पहले किनारे से भरा 1 राउंड और 3 राउंड और घुमाओगे गोला भर जाएगा। गोला बहुत पेंट करने के चक्कर में मत पड़ जाना, उसको सजाने के चक्कर मत पड़ जाना, वो चित्रकारी की कोई प्रतियोगिता वहां नहीं चल रही है। बस वहां पर ये है, मशीन ये जानना चाहती कि आपने किस गोले को ब्लैक किया है। तो ये नहीं कभी एकदम एक बढ़िया से सजा रहे कि अभी चमका कि नहीं चमका, तो फिर तुम चमक जाओगे। नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाता हूं दोस्तों। अगली स्लाइड पे देखो क्या है, अगली स्लाइड पे तो बड़ी इंपॉर्टेंट जानकारी है। पुराना कट ऑफ क्या था ये तुम्हें बहुत इंपॉर्टेंट था जानना, जिससे तुम्हारे अंदर ये बात समझ में आ जाएगी पहुंचना कहाँ है, मंजिल क्या है, कहाँ तक जाना है। मेरे भाई 2019 की मेरिट मैं बता रहा हूँ, 2019 में जबकि आपका पद था 50,000 के करीब, 49,568 पोस्ट के लिए आपकी भर्ती हुई है, जिसमें जो मेरिट थी जनरल की मेरिट थी 193 नंबर। जनरल की मेरिट कितना थी मेरे भाई, 193, मतलब 194 नॉर्मलाइज करने के बाद, लेकिन एक ही पाली में एग्जाम हुआ है तो नॉर्मलाइजेशन में बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे मार्क्स नहीं हुआ था, लगभग जो जो नंबर पाया था उसी पे लगभग काम हो गया था। 193 का मतलब, 94 का मतलब हो गया मेरे भाई 92 क्वेश्चन। कितना कितना हो गया आपका 97 क्वेश्चन, कितना क्वेश्चन 97, 150 में 97 क्वेश्चन। अब आप कहें गुरुजी 2018 के भी बताते चलिए, यहाँ तो 225 नंबर, 112.5 क्वेश्चन की बात आ गई। इतना ज़्यादा 18, देखो 18 बाद का है, इसके लास्ट मेरिट ये है मेरे भाई, इसके पहले वाली मेरिट से कंपेयर करो। क्या ऐसा हो गया सर कि 2018 में पोस्ट कम थी क्या? बिल्कुल, एक पहला इम्पॉर्टेंट पॉइंट, पहला सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जब पद बढ़ा तो मेरिट घटी। देखो 41,000 से 49,000 हो जाने पर मेरिट कम हुई, क्या सर यही एकमात्र रीजन है कि पद बढ़ गया तो मेरिट घट गई? तब तो 64,000 में हमारी मेरिट आ जाएगी 170, ना भैया। एक बात और 18 में हुई थी, एक घटना और 18 में हुई थी, क्योंकि 18 में पेपर आपका कैंसिल हुआ है, दोबारा पेपर कराया गया है, नॉर्मलाइज करके नंबर एकदम थोक के भाव मिल गए थे, जिससे ये मेरिट ज़्यादा हो गई। इसका एक रीज़न ये भी था, मतलब सर अगर इस बार भी नकल हो गई तो मेरिट बहुत बढ़ जाएगी। तो भैया 24 के चुनाव को देखते, अब सीटेट का एग्जाम्पल मत देना, सीटेट का एग्जाम्पल मत देना कि भैया पेपर आउट हुआ है। सिपाही भर्ती बहुत बड़ी भर्ती है,
और भगवान से प्रार्थना करिए और बिल्कुल इधर उधर भी दिमाग मत लगाइए। बहुत से लोग कहेंगे, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। खासकर इस प्रयागराज में ऐसे हजारों की संख्या में भेड़िए घूमते हुए मिल जाएंगे जो कहेंगे परेशान मत होना, पेपर वह दे दूंगा, पेपर निकल जाएगा, इतने में पेपर बिक जाएगा। भैया बिल्कुल कान दोनों साइड से बंद कर लेना प्लीज़। अगर सेलेक्ट होना चाहते हो तो इन बातों पर बिल्कुल इत्तफाक मत रखना, सीधे अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना। अब देखो ये रहा 193, ओबीसी का बच्चा 185 नंबर, कितना नंबर 185.34, यहीं पर आपका यहां 216 नंबर था। लेकिन इस बार क्या होगा, इस बार मेरे हिसाब से ओबीसी की मेरिट जनरल की मेरिट को ओवरलैप करेगी, मतलब उसको ओवरटेक करेगी, मुझे लगता है ऐसा। मैं 24 की मेरिट भी बता रहा हूं, लेकिन फीमेल कैंडिडेट जो है, लड़कियां जरा समझ लें, आपका 142 नंबर था मेरे भाई, 19 में 142 नंबर, मात्र 71 क्वेश्चन का नंबर है ये, मात्र 71 क्वेश्चन। वही 2019 में 18 में फीमेल की एक ही मेरिट थी, सबका 200 नंबर, 199.5 सारे विद्यार्थियों के, महिला कैंडिडेट के लिए ये 199.5 था। यहाँ पर देखें एससी का बच्चा कितना 159, एसटी 131, एससी महिला के लिए ओबीसी महिला फीमेल कैंडिडेट 167 और एससी महिला 132, एसटी महिला 96.5। तो ये है भाई 2018 और 2019 की मेरिट, इससे आपको आंकड़ा लग रहा होगा कि आखिर आपको पहुंचना कहाँ है। अब मैं आपको उधर लेके चल रहा हूँ जहाँ के लिए मैं आया था। सर 24 की मेरिट क्या होगी, 24 की मेरिट क्या होगी, तो मेरे भाई ये लो 24 की मेरिट बता दिया, 2024 की मेरिट बता दिया, 215 नंबर जनरल, 5% ये घटेगी, ये भी समझ लेना, मैंने मैक्सिमम बता दिया है। इस मेरिट से कोई बंदा बाहर नहीं जा सकता, अगर आपने इतना नंबर गेन कर लिया है तो इसको 100% समझ लो आपका काम बनने वाला है। 215 से 225 जनरल फीमेल, 175 से 185 जनरल फीमेल की बात मैंने किया है। ईडब्ल्यूएस 205 से 215 में सिक्योर है, 165 से 175 ईडब्ल्यूएस की लड़कियों के लिए नंबर मैंने दिया है। ओबीसी 210 से 220, 210 से 220 अगर कोई बीसी बच्चा, ओबीसी बच्चा पा जाता है, तो देखो मैंने मेरिट को बहुत क्लोज रखा है, हालांकि ज्यादा तो मैंने नहीं किया, लेकिन 210 से 220 फीमेल आपका 180 से 190, एससी 180 से 190, 140 से 150 लड़कियों के लिए, एसटी 140 से 150, 100 से 110 ये लड़कियों की मेरिट है। अब इसके बाद समझ लो आप, ये आपका नंबर, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, रख लो और मुझे एग्ज़ाम दे करके नंबर मिला के इससे मैच करा लेना, फिर मुझे बता देना जब रिजल्ट आएगा तो। भैया मेरे अब करना क्या है, ये नंबर कैसे मिलेगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा मॉक करें, मॉक पर जितना ज़्यादा अपने आप को अब कंसंट्रेट करेंगे सफलता की तरफ उतनी ही तेज़ी से बढ़ रहे होंगे। हम एमकेसी लगातार लाइव मॉक करा रहे हैं, तो आप एमकेसी से जुड़ें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइव मॉक करें, घर पे ओएमआर पे बैठ के खूब प्रैक्टिस करें। दिन भर में एक हफ्ते में, मैंने कहा एक हफ्ते के अंदर सिलेबस ख़त्म करें, रिवीजन स्टार्ट कर दें, रिवीजन चलता रहे, और दिन भर में तीन तीन बार ओएमआर भरें, एक बार सुबह एक मॉक लगा लें, एक बार दोपहर में लगाएं, एक बार सोने से पहले लगाएं, तीन तीन मॉक लगाएं, तीन तीन ओएमआर रोज भरें। अगर आप चाहते हैं आप सेलेक्ट हो जाना, कौन सा चैप्टर अवश्य पढ़ें, तो दोस्तों देखिए ये जो बात है ना, कौन सा चैप्टर अवश्य पढ़ें, तो मैथ्स को लेकर के, अरिथमेटिक को लेकर के, रीजनिंग को लेकर के मैंने बार बार बताया है। लेकिन अगर मैथ्स में, मैथ्स क्योंकि ज़्यादा नंबर आप क्वेश्चन सबसे कम अगर किसी यूनिट से हैं तो अरिथमेटिक से हैं, मैथ से हैं, तो कौन से चैप्टर पढ़ें अवश्य पढ़ें। अगर आपने नंबर सिस्टम कायदे से पढ़ लिया, अगर आपने नंबर सिस्टम परसेंटेज प्रॉफिट लॉस, क्या मेरे भाई, प्रॉफिट और लॉस,
प्रॉफिट लॉस विद डिस्काउंट पढ़ लिया और बस इसी में एवरेज एलसीएम लगा लो, प्लस करके एवरेज और एलसीएम लगा लो तो आपका काम बन जाएगा अलजेब्रिक आइडेंटिटीज को पढ़ते हुए। कैसे पढ़ें, कितना पढ़ें, तो जितना पढ़ सकते उतना पढ़ो। ये सारे टॉपिक हम लेकर के लगातार आ रहे हैं। और एक ख़ास बात और, एमकेसी के यूपीपीएसएससी आर्मी जीडी यूपीपी वाले चैनल पर अब मैं अंतिम प्रहार लेकर आऊँगा, जो लगातार एग्ज़ाम तक एक हफ्ते 10 दिन जो क्वेश्चन एग्ज़ाम में आने वाले हैं, 500 से 1000 प्रश्नों की एक सीरीज मैं लेकर आ रहा हूँ। अगर आपने उस सीरीज़ को ज्वाइन कर लिया तो एक भी प्रश्न बाहर नहीं आएगा दोस्तों। तो ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आपका, इस वीडियो को देखें, इसमें कही गई सारी बातों को बहुत ढंग से यूटिलाइज़ करें। अगर आपने ऐसा किया तो सफलता की गारंटी है, इसमें कोई शक नहीं है। मेरी बेस्ट विशेष आपके साथ है, लगातार मैं मिलता रहूंगा आपको एग्जाम टिल द एग्जाम तक, और एग्जाम के बाद भी हम आप जुड़े रहेंगे। आपके घर में जरूर एक वर्दी वाला बच्चा इस बार आएगा, इसमें कोई शक नहीं है। बस ये 20 दिन आप मेरे हिसाब से जी लीजिए। जय हिंद।